आई थिंक आई हैव क्रैक्ड द स्टोरी ऑफ डंकी. पूरी नहीं ऑब्वियसली, कुछ कुछ पॉइंट्स. और इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे तुम्हें बड़े बड़े से स्पॉइलर्स मिल सकते हैं, तो इसके वजह से उसका ध्यान रख लेना. लेकिन अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो आई गेस यू डोंट केयर अबाउट स्पॉइलर्स. इसी के साथ शुरू करते हैं. जैसे ट्रेलर का फ्लो था उसके हिसाब से एक एक फ्रेम हम देखेंगे. तो पहले हमें पता चलता है कि ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, आज से 25 साल पहले. यानी कि जो करंट ईयर है स्टोरी का वो होने वाला है 2020. और कहानी शुरू हुई थी लालटू शहर से या फिर गाँव से. यहाँ एसआरके का कैरेक्टर जिसका नाम होता है हार्डी, इन्हें चार दोस्त मिलते हैं और बस इनका एक ही सपना होता है कि हमें जाना है लंदन. अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो भी हम आगे की जर्नी देखेंगे लंदन इल्ली के लिए जाने की, उसमें इन चार दोस्तों में से हमें बस एसआरके की दो ही दोस्त दिखाई देते हैं, बुग्गू और मन्नू. ये बस दोनों ही दोस्त होते हैं जो एसआरके के पूरी जर्नी में उसके साथ होते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा. आगे हम एक कैरेक्टर का इंट्रो देखते हैं, बल्ली इज अ बाब. और बल्ली की एक्चुअली शादी होती है प्रोबेबली फॉरेनर से, क्योंकि डंकी का जो ड्रॉप वन आया था जो एक टीजर उसे हम कह सकते हैं, उसमें हमने देखा था कि ही गेट्स मैरिड टू कैथरीन. तो अब ये पॉइंट याद रखना, इस पे हम आगे बात करेंगे. फिर बुग्गू पैजामे बेचता है और अपना सूखी इंग्लिश झाड़ता है. आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन कोलन सेमीकोलन कॉमा ते फुल स्टॉप. एंड में हम देखते हैं मन्नू को, जिसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो शी इज काइंड ऑफ अ बॉस लेडी. एंड एसआरके कहते हैं कि वो मेरे लिए तो झगड़ भी जाती है, जिसको हमने ड्रॉप टू में देखा था और तभी हमने डिकोड कर लिया था कि इसका झगड़ा हुआ था गुलाटी से, यानी कि उनके सर से जो उन्हें इंग्लिश सिखाते हैं, प्लेड बाय भुवन ईरानी. और भुवन ईरानी का कैरेक्टर इज अनदर टिपिकल राजकुमार ईरानी कैरेक्टर हु इज लिटरली अ ट्रीट टू वॉच. पर मैं बात कर रहा था कि ये झगड़ा होने के बाद ही उनका वो लुटपुट गए जो सॉन्ग है वो शुरू होता है, क्योंकि सेम कुर्ते. पर अब यही सेट चीजें थोड़ी सी सीरियस होना शुरू होती है. हम यहाँ पे एक चीता को आग लगते हुए देखते हैं, और अब मैं बताऊँ ये चीता किसकी है. ये चीता प्रोबेबली है विक्की कौशल के कैरेक्टर की. क्यों? इस फ्रेम को ध्यान से देखो और इस टी शर्ट को ध्यान से देखो, दे आर लिटरली द सेम टी शर्ट. एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि विक्की कौशल का कैरेक्टर क्यों इनके आगे के जर्नी में नहीं दिखता. और विक्की कौशल का कैरेक्टर शायद से इन सारे दोस्तों में सबसे बेस्ट होता है इन इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि हम इस सीन में देखते हैं. So, if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? जी, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भाषा पंजाबी का. और शायद फिर यही रीजन होता है जिसके वजह से खुद सूखी खुद को जला लेता है. फिर आगे हम इस बड़े कंटेनर को देखते हैं और ट्रेन को देखते हैं और इस बोट को भी देखते हैं और ये नैरो पैसेज को भी देखते हैं. ऑब्वियसली ये सब पार्ट है इनके जर्नी का, जैसे कि वो इंडिया से लंदन जा रहे हैं थोड़े से इलीगल तरीके से. अब मैंने इन शॉर्ट्स में भी कुछ चीजें नोटिस करी थी, पर मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी है नहीं. अब यहाँ से आगे हम देखते हैं मन्नू और हार्डी को चर्च में, अब मोस्टली टू गेट मैरिड टू ईच अदर, जहाँ पर ये पुलिस आ जाती है और मे बी बेइज्जती करती है विद मन्नू. एंड फिर क्या, हार्डी उसको पेल देता है. बट यहाँ पे पीछे जरा देखो कौन है. यस, ही इज बल्ली अगेन. तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब बल्ली की शादी हो गई थी कैथरीन से, तब उसकी भी सेटिंग हो गई थी लंदन जाने के लिए, तो इसलिए वो चला गया था लंदन और फिर उसके वजह से ही हमें वो दिखता नहीं है इन सबकी जर्नी में. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मूवी का टाइम स्पैन है 25 साल का, और ये ट्रेलर के एंड में हम सुन सकते हैं एसआरके सेज कि 25 साल पहले मैंने ये शुरू किया था तो 25 साल बाद मैं ही उसको खत्म करूंगा. और ये जो बैकग्राउंड वाला जो सीन है, ये पूरा सीन है इंडिया वाला ही, ये पूरा है पंजाब लालटू, क्योंकि यहाँ पंजाबी में हम जो लिखा हुआ देख सकते हैं उसको मैंने किया है ट्रांसलेट. एसेंशियली द एंटायर स्टोरी इज गोइंग टू बी कमिंग बैक होम. और जो बाकी के जो स्पॉइलर हमने वीडियो में देखे वो प्रोबेबली गेस कर ही सकते थे, लेकिन जो उनकी जर्नी होने वाली है इन लंदन उसको गेस करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए फिर मैंने उसको जाने दिया. बाकी सिर्फ अगर ड्रॉप फॉर एफी ट्रेलर की बात करें तो मुझे पसंद आया. स्टार्टिंग इसकी थोड़ी सी एकदम हल्के हल्के नोट पे हो रही थी, एकदम धीरे से स्टार्टिंग हुई, फिर एक पॉइंट के बाद एकदम से सब पासा पलट गया जो था उसका चीता जलने वाला सीन. और ये फिर से एक टिपिकल राजकुमार हिरानी वाली मूवी लग रही है, जिसमें दो एक्सट्रीम्स होते हैं, पहला एक्सट्रीम है कॉमेडी और दूसरा एक्सट्रीम है इमोशंस. इमोशंस के साथ कॉमेडी भर भर के वो हमें बहुत इमोशनल कर देते हैं. एंड ऑब्वियसली एक बड़ा सा सोशल मैसेज तो होता ही है. और अगर बात करें एसआरके के एक्सेंट की, मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगा था शुरुआत में, पर ड्रॉप फॉर एंड होते होते आई गॉट यूज्ड टू इट. तो डेफिनेटली मूवी काफी इमोशनल होने वाली है और ये बहुत अच्छा भी लगा था इस ट्रेलर को देखे, क्योंकि इन सारे मास मसाला वाले मूवीज के बीच में एक थोड़ी सी सेन, थोड़ी सी ग्राउंडेड टाइप की, थोड़ी सी फ्रेश वाली स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें एक्शन तो होगा बहुत कम लेवल पे, लेकिन जो इसका मेन ड्राइविंग फोर्स होगा वो होगा मैसेज, एक्टिंग एंड स्पेशली इमोशंस. तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ. बाकी तुम्हारे थॉट्स बताओ, तुम्हें क्या लगा इस ट्रेलर के बारे में या फिर ड्रॉप फोर के बारे में, और मैंने जो ब्रेकडाउन किया है उसके बारे में भी कमेंट कर देना, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.